चंद्रपूरच्या सभेत केली होती शरद पवारांवर, काका आणि पोकण्याने महाराष्ट्र लुटला अशा प्रकारची टीका सुद्धा आमच्या वाचनात आली। विशेषतः नॅशनल करप पार्टीने तिला पाठिंबा दिला असेल ते पाहावं लागेल। शिवसेना भाजपला सहकार्य करण्यास तयार आहे, अजून संपूर्ण चित्र स्पष्ट व्हायचं आहे। जरी निकाल लागले असले तरी नक्की गुण कुठे आहे काय आहे, शिवसेनेच्या बैठका सुरू आहे, स्वतः उद्धव ठाकरे हे निर्णय घेतील आणि आपल्यापर्यंत शिवसेना की भूमिका आपको जल्दी ही सामने आ जाएगी। ये भूमिका आज ही सामने आनी चाहिए, ऐसा कोई हमारा निर्णय नहीं हुआ है। उद्धव जी के साथ हमारी अभी बातचीत हो गई है, हम सब नेता बैठे थे, उद्धव जी भी है, हम अकेले लड़े महाराष्ट्र में, हमारे पास न सत्ता थी न कोई यंत्रणा थी। एक बाजू में वहां से दिल्ली की सत्ता, प्रधानमंत्री, उनका पूरा मंत्रिमंडल, भाजप शासित राज्यों के मुख्यमंत्री, वहां के मंत्री, उसके बाद में महाराष्ट्र में कांग्रेस एनसीपी का सरकार, फिर भी हम अकेले लड़े और हमें अच्छा यश मिला। नतीजे बुरे भी नहीं, परेशानी रही बीजेपी से। बीजेपी को बाहर हम लोग तोड़ना नहीं चाहते थे, हम तो नहीं तोड़ना चाहते थे। बीजेपी ने समर्थन देने की घोषणा की है बीजेपी को, ये कितना पैसा पड़ेगा, कोई टेंशन नहीं आना। लेकिन आप तो हाँ, सभी विकल्प हमारे लिए भी खुले हैं, हम भी राजनीति में हैं। शिवसेना भी एक बड़े दल के रूप में उभर कर आई है। ठीक है, कुछ सीटें कम मिली है भारतीय जनता पार्टी से, लेकिन हमारी भी पार्टी बड़ी। सुकेश, ये बड़ा महत्वपूर्ण है, एक अहम बात जो यहाँ पर कही अभी संजय राउत ने, उन्होंने कहा कि शिवसेना को भी बहुत ज्यादा सीटें मिली और तमाम विकल्प खुले हैं। ये विकल्प ये तो नहीं हो सकता कि शिवसेना भी सोच रही है कि हम ही सरकार बना